मलिक साहब, अब आपको याद होगा मैं आपकी GTO 125 के आपके पीछे बैठा हुआ था। आप किसी काम के सिलसिले में MEO कॉलेज गए हैं, तो जब आप MEO कॉलेज में रहे, आपको साजिद भाई थे या आपको राना इम्तियाज से कोई काम था, आप MEO कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं, पीछे मैं बैठा होता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ पर जाने का, और आपके साथ वैसे ही मैं जब वहाँ पर गया हूँ ना, तो आगे गेट के आगे कौन खड़े सर, वहाँ पर क्या डायलॉग हुआ सर, आपने क्या जवाब दिया था? वो इस तरह था कि मैं मिलने साजिद चौधरी को, राना इम्तियाज मेरे भाई हैं, उनको मिलने गया हूँ, लेकिन ये मौके पे मौजूद नहीं थे। हम जब एंटर होते हैं और अपना गेट से साथ ही हम बाइक खड़ी करते हैं, दीवार पर प्रिंसिपल के कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। हाँ जी, कौन कौन था? नहीं, प्रिंसिपल के कमरे के बाहर आबद चौधरी खड़ा होता मरूम, और सलमान खोकर और इसके बाकी अमजद खालद और काफ़ी दोस्त इसके सामने से आते हैं और आके शाहिद भाई को कहते हैं जी आप इस कॉलेज में क्या लेने आए हो, निकल जाओ इधर से। मैं उनको सख्ती से रोकता हूँ, हमारी यह तकरार चल रही होती है तो आबद चौधरी की नज़र पड़ती है, वो उधर से चल के आता है तो मुझे कहता है मलिक साहब क्या हुआ है? मैं कहता हूँ चोई साहब ये शायद मेरा भाई है, ये मेरे साथ आया और आपके ये जो अपना तंजीम के लड़के हैं ये उसे बाहर निकालने के लिए बजिद हैं, जो मैं इस वक्त इसको नहीं लेके जाऊंगा। तो आबद चौधरी ने मरहूम ने मर गया है, अल्लाह को जवाब देना है, उसने कहा था कि सलमान मेरा दोस्त है, इसके इनके ऊपर कत्लों की दुश्मनी है और आप इसको लेके इधर आ गए हो, तो मैंने कहा था चोई साहब अब तो मैं ले आया हूँ, अब मैं तभी जाऊँगा जब मेरा दिल करेगा। आबद चौधरी ने चंद सेकंड के लिए कोई सोचा, कोई डिसीजन लिया और वापस उन लड़कों को अपने जो उनकी तंजीम के थे, ये सलमान खोकर वगैरह एक 5-6 लड़के थे, इनको धक्के दे के पीछे को निकाला है कि आप हॉस्टल चले जाओ, ये हॉस्टल चले गए हैं। आबद चौधरी ने मुझे आके फिर ये कहा ये ले मलिक साहब आप अपनी मंशा, अपनी मंशा, अपनी मंशा के मुताबिक जब आपका दिल करेगा तब जाइएगा, तो लेकिन आपने की ज्यादती आपका सब। मैंने कहा यार जो भी होना था हो गया, लेकिन आप उसके बाद फिर आप 10-15 मिनट खड़े रहे हैं। शायद भाई उधर सिर्फ इसलिए जाना चाहते थे कि मैंने तो चले गया ना मुलाकात के लिए, लेकिन इनको तो पता था ना कि ये मेरे मुखालफिन का कॉलेज है। मैंने बाद में इनसे पूछा है ना, तो इन्होंने कहा यार मैं इसलिए चला गया कि मैं काली देखना चाहता था जिधर मेरा भाई पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और जिधर की गैदरिंग की वजह से वो उससे पहले मैं नागरिक कभी जिंदगी में MEO कॉलेज नहीं गया। ये इस लाइन में चले गए इस शौक में कि मैं भाई का कॉलेज देखूं, और आगे ये तमाशा लग गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सुरखरू किया, हम बाइज्जत तरीके से गए थे और इज्जत के साथ ही वापस आए थे। नाजरीन आज मैं आपको बताता हूँ कि चोई साहब ने कैसे कैसे टेंडर उठाए हैं मेरी जात के ऊपर, कि इंसान कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का, और ये मेरे गोदाम में एक मेरे वाले साहब की उम्र का बंदा, जो मुझे अगले दिन पता चला था, नासिर तोती और शौकत नामी दो बंदे, शौकत लंबा, शौकत वाणा रायगढ़ वाला, हाँ लंबे का तो मुझे नहीं पता, कद तो उसका खैर बहुत ही लंबा था जी जी। तो ये दो बंदे लेके आ जाता है, तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं घर से गोदाम से निकल रहा होता हूँ और गली में मेरी मुलाकात हो जाती है इनके साथ, तो इनको मैं 10,000 रुपए लेने आया था उधार आपके पास ना, वो खैर जिस भी काम से आप आए थे, 89 की बात है, 90 की मेरा बात है, 88 की होगी, 88 या 89 की। हाँ, तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं गली में मिलता हूँ, ये मुझे काम कहते हैं, मैंने कहता हूँ गोदाम क्या क्या मिल गया। हाँ जी, तो वहीं पे बात शुरू हो गई। तो इतनी देर में मेरे वालिद साहब भी कहीं काम जाने लगते हैं, और वो जब गुजरते हैं ना तो बड़ी वो मुझे ना एक अजीबोगरीब नज़र से देख कर चले जाते हैं। मैं खैर इनका जो काम था वो करता हूँ, ये भी चले जाते हैं, मेरे वालिद साहब वापस आते हैं, मुझे कहते हैं यार वो ऐसा वाकया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की क्या उम्र हो सकती है, तो मुझे उन्होंने इतनी ज़्यादा सरजनश की कि यार ये शाहद को भी समझाओ कि ये आप मेरी अपने बाप की उम्रों के जैसे बंदों के साथ फिरता है, खुले बटन शलवारें कमीज़ें लंबी, उस वक्त मतलब ये बिल्कुल वास्तव का जिस तरह वो रघु भाई है इस तरह के हुली होते थे, ये कोई सोफिस्टिकेटेड दौर नहीं थे, तो वो इस तरह की मतलब बेशुमार वाकयात हुए हैं। मलिक साहब आपने वो बता दिया है कि तोती को और मैं शौकत को टवाने को आपके घर ले गया, आज वो भी बात आप बताएं जब इब्राहिम गुजर, इबा पहलवान, इनको शहबाज पिपली किराए वाले के चक्कर में पूरे लाहौर की पुलिस जो है ना वो यानी कि इनको ये समझ रही थी कि पता नहीं शहबाज की पैरवी ये करते थे या उसकी पुश्तपना ये करते या उनके लिए वो काम करता था,
इब्बा पहलवान जो थे वो थोड़ी देर के लिए साइड पे हो गए, हालात यानी कि उनके लिए बेहतर नहीं थे, तो मैं उनको लेकर जो था ना मलिक जहाज साहब के घर चला गया मुस्लिम टाउन। वहाँ पे सुबह के टाइम इब्बा पहलवान बड़े भाई हैं, बुजुर्गों की तरह हैं, ये सुबह वॉक करते थे, तो मलिक साहब के घर के आगे ना काफ़ी ग्रास लगी हुई थी, वो बाहर निकल कर जो है ना वॉक कर रहे थे, तो मलिक साहब के वालिद साहब जो नाजर हुसैन साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती और सेहत दे, उन्होंने इब्बे गुजर साहब को जो है ना और लावा पहलवान बड़े भाई हैं इन दोनों को ग्राउंड के अंदर वॉक करते हुए देख लिया। मलिक ये ऐसी उस बात हुआ ये था कि मुझे शाहिद भाई का फ़ोन आता है कि यार मेरे ना कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे तो पता एक अगले दिन जाके चला ना कि ये इब्बा गुजर है, आपको बताया कि मैं एक कारोबारी फैमिली से हूँ, लेकिन चूँकि ये मेरा दोस्त है, ये भी एक शराफत की ज़िंदगी गुजारने वाला था, चला इस अपना जोन में गया, तो अब दोस्तियाँ तो नहीं छूटती ना, या इनके हालात किसी के देख के बंदा मुंह मोड़ जाए तो वो फिर बंदा तो नहीं होता। मुझे इनकी कॉल आती है कि मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो यार मेरे घर में पहले ही ऑलरेडी ना कोई गांव से कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो स्पेस नहीं है, तो कोई एक दो दिन के लिए, मैंने कहा आ जाए मेरे घर में, अल्लाह का शुक्र है इतनी जगह थी, तो ये आ गए हैं इनके साथ, मतलब के लावा पहलवान इब्बा गुजर और उनका जो भतीजा सोनी वो भी साथ है, वो भी साथ था, ये आए हैं, मैंने मतलब के अपना रहने का इंतजाम किया है, मुझे किसी बात का नहीं पता था, रात का खाना खाया, सुबह उठ के इब्बे पहलवान ने कहा है कि जी मैंने वाक करनी है, मैंने कहा है मैं आपको बाहर वाक करवा देता हूँ, वाक आ रहे थे तो मेरे वालिद साहब भी बाहर निकल आए, जब मेरे वालिद साहब ने देखा है ना, वो इब्राहिम गुजर को जानते थे, वो भाई नेम और भाई फेस जानते थे, और वो मेरे वालिद साहब से भी मेरा ख्याल है को 5-7 साल बड़े ही होंगे, तो मेरे वालिद साहब ने खैर आपका गोदाम भी उधर ही था ना उठवाड़ रोड पे, तो वो मेरे हाँ जी बिल्कुल शुरू से मलिक पार की मतलब के रिहायश में रहे हैं, तो वो बड़ा पुराना जानते थे, तो मेरे वालिद साहब ने देख के तो अंदर चले गए घर के, तो हमने वाह की है, वाह करके जब अंदर आया हूँ और नाश्ता ला कर रखा है, तो मेरे वालिद साहब ने तब भी कोई बात नहीं की, जब मेरे वालिद साहब काम पर जाने लगे हैं मुझे उन्होंने दरवाज़ा नॉक करके ना घर के बाहर बुलाया, मुझे उन्होंने कहा कि यार ये इतने अपने दादे की उम्रों के जितने आपने दोस्त बनाए हैं ये बंदा कौन है, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये शाहिद भाई के मेहमान हैं, शाहिद को वो अपने बच्चों की तरह ही उन्होंने सारी ज़िंदगी ट्रीट किया, जैसे वो मलिक इजाज़ है उनके लिए वैसे ही शाहिद नहीं, मेरे जेन्युइन मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह, तो उन्होंने जब मुझे कहने लगे कि आपको पता है ये बंदा कौन है, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये उनके मेहमान है, कहते ये तो इब्बा गुजर है और ये तो बड़ा नामी गिरामी बंदा है अंडरवर्ल्ड का, ये तो डॉन है, तो यार आप थोड़ा सा मुहतात, मैंने कहा जी कोई बात नहीं है, तो मुझे कहते हैं कि इनको रात को क्या खिलाया था, मैंने कहा जी मैंने देसी मुर्गा बनवाया था उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, नाश्ता अभी आपके सामने ले गए, मुझे उन्होंने जेब में से 20,000 रुपये निकाल के दिए, खिदमत करो इनसे, चूँकि मेरे वालिद साहब ना शुरू से बरादरी के बड़े थे और सियासत में इनका बड़ा अमल दखल रहा है, और हमारे घर में रोज़ाना 20-30-40 लोग आते थे, कुछ खाने कुछ को खाना पेश किया जाता था, कोई चाय किसी को बोतल, तो वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते थे कि एक सोशल जो बंदा उसके पास हर किस्म के लोग आते हैं, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए कि ये जब तक रहना चाहें इनको रखो और इनकी अच्छी खातर करो, तो मुझे वो आज भी याद है, तो फिर मैंने चोरी को आके बोला कि यार ये बंदा कौन है, फिर इन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त ये सिर्फ कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने घर से थोड़ा साइड पे रहना चाह रहे थे, और मेरा चूंकि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा मैं आपकी तरफ ले आया हूँ, आपको कोई इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं, और वाकई मुझे आज तक किसी ने कभी ऐसा कोई गलत काम मेरे साथ नहीं किया या मुझे कभी किसी ने इन्वॉल्व करने की किसी भी दोस्त को नहीं की, तो वो बहरहाल इस तरह के वाकया चलते रहते हैं। चौधरी साहब मैंने कल वे बाज जगह के प्रोग्राम देखे हैं आपके, आपने उसमें क्या खूबसूरती से मोती परोए हैं और एक एक बात आपने हकीकत बताई है, लेकिन उसमें आप एक चीज़ बड़ा मज़ेदार वाकया है कि उसने आपसे एक दिहाड़ी लगाई थी, अब पता नहीं आप ये बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन अगर इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है, और उसने भी आपको इसलिए मेंटली ट्रैप किया था इमोशनली कि कट्टा चोने वाला साहब था, पंजाबी की मिसाल है कि कट्टा चोने वाला साहब था, उतना ही दोस्त है चोई साहब का जितना मलिक साहब थे जितना मैं बचपन का, हाँ जी, तो वो दिहाड़ी किस तरह अपना उसने लगाई थी, और जब आपको पता चला था कि ये मुझे इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी?
मलिक साहब, मैंने प्रोग्राम में आपको जग्गे के प्रोग्राम में बताया तो है, डिटेल में ये बता देता हूँ। मैंने नाजरीन को आपको मैंने नाजरीन जग्गे का प्रोग्राम किया था, सारी बात मैंने बता चुका हूँ, लेकिन ये जो बात पूछनी चाह रहा है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। जग्गे ने मुझे आगे जो है ना कहा है म्यूजिक सेंटर पर कि मैंने असद प्रिंस को पकड़ लिया है। अब चोज साहब वहाँ पे छिड़े लगे हुए थे, जगह वहाँ पे ऐसा ही था, चोज साहब का थानेदार था। मैं फ़ौरन समझ गया हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमें असद प्रिंस मिला भी था और मैंने आपसे प्रोग्राम में आपको बताया, जग्गे के प्रोग्राम में बताया कि असद प्रिंस ने जग्गे को ये कहा था, जग्गे भाई जे मैं ताडे वैसे काबू आएगा तुसी ते मेरी चमड़ी उधेड़ देनी थी। तो जग्गे ने उसको ये कहा था कि नहीं यार तुम्हारा छोटा भाई है और शाहिद भाई के तुम दोस्त हो, कुछ नहीं, तुम जो भी कर रहे हो मुझे इन चीज़ों से कोई ग्राह, हालांकि वो इछरे के अंदर लगा हुआ था और असद प्रिंस के ऊपर इरशाद बलोच की और कई फायरिंगों की FIR भी दर्ज थी जग्गे ने उसको, लेकिन देख लिया था इसने। जग्गे ने भी सेंटर पर आकर कि मैंने असद प्रिंस को पकड़ लिया। अब मलिक साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे, मलिक साहब को पता था कि उसके साथ मैं इस बात से प्यार करता, वो लड़का बहादुर था, न डर था उसके अंदर। अब पता नहीं उसमें शाही साहब उसके साथ मिलकर कोई बदला लेना चाहते थे या उससे वैसे इनको कोई अपना कोई कुदरती तौर पे कोई अट्रैक्शन या मोहब्बत उसके आत्मा नहीं, मेरे भाई साहब की तरह लंबे लंबे। ये 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 बात अक्सर ये कहते रहे हैं, ये जेन्युइन बात है कि वो उसके हाथ बिल्कुल मेरे भाई साहब की तरह सबज गोरा रंग था उसका और वो सबज लाइनें मेरे भाई के हाथ पे भी नजर आती थी, तो जिस तरह हाथ करता था ना तो यकीन करो मुझे लगता था मेरे भाई। ये भी कहते रहे हैं कि वो दलेर भी मेरे भाई जैसा ही है, तो इसलिए मुझे ना ये अपना डीटो कॉपी था मेरे भाई, इसलिए ये चोई साहब से उसने दिहाड़ी लगा ली थी और कोई वजह नहीं। मैंने नादरीन जग्गे ने मुझे कहा कि मैं उन्हें छोड़ देना चौधरी, मैंने फ्रूट लेके दे, मेहमान आ रहे हैं मंडी तो, वो मंडी बहादुर के रिश्तेदार थे, तो जे तो मैंने फ्रूट ना लेके दिता तो चोई साहब ने ज्यादा मुकाबला कर दिया, मैं डर गया, चोई साहब का नाम बहुत बड़ा था। मैंने ना फौरी तौर पर अपने साथ एक दो दुकानदार मरे साथ कुछ पकड़े, मैं जग्गे के साथ चुबुर्जी चला जाता हूँ, लीचिए खुरमानी है इस तरह ना पेटियाँ उनकी रखवा के, जो जो फ्रूट है ना वो 20-22-24 हज़ार का मैंने फ्रूट लिया है, पूरी पिकअप भरवा दी, मैं जग्गे के साथ उसके घर छोड़ने जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो जग्गा मुझे वहाँ पर क्या कहता है, मलिक साहब भी साथ थे, मुझे प्रोग्राम में बताना ये याद नहीं रहा था, ये साथ थे, जेन्युइनली बात है। मलिक साहब ना क्योंकि मेरा दिन था जग्गे को वहाँ पर छोड़ के उनकी बाइक में वापस आ जाऊँगा, जब हम वहाँ पे जाते हैं जग्गा पिकअप में था और मैं और मलिक साहब बाइक थे, मलिक साहब मुझे रास्ते में कह रहा यार जग्गा कैसा ही आ रहा है तेरा, नसरत प्रिंस फाड़ लेता है दिहाड़ी ला रहा है तेरे को, आज मैंने जना मोहब्बत नहीं नजर आई चौधरी यार तेरा यार नहीं है। जब जग्गे के पास घर पहुँचते हैं तो वो हमें कहता है मैं कहा जाओ शायद नाल मैं असद में मैं नहीं फड़े आया, तो मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ। मैंने जग्गे को कहा यार माम हुसैन थे वो पर काजी का अलम लगा हुआ था उनके घर पर, मैं कहा कसम खा के तो असद प्रिंस नहीं फड़िया ताडे कब्जे च नहीं है, तो वो हंस के बोला कहता यार मैं तेरे ना झूठ बोलिया थी, तो मैंने नहीं सी यकीन तू 10 रुपए का फ्रूट लैके देगा, तू तो बड़ा किरसी है तेन 10 रुपया तो कहना फिल्म 90 रुपये और पा के फिल्म ले आवेंगे, और मैं ऐसे ही करता होता था, ये जेन्युइन बात है। वो जग्गे ने 20,000-22,000 का फ्रूट ले लिया, तो जब उसने मुझे कहा ना कि मैं गाजी आलम की कसम खा के ना सतप्रीत ने बड़ा सिर्फ तेरे ना मजाक किया है, तो अब मलिक साहब से पूछे मैंने जग्गे को ये नहीं कहा था फ्रूट वापस लेके आ, मैं कह सकता था लेकिन मैंने नहीं कहा। तो फिर मुझे मलिक ने रास्ते में कहा यार नहीं जो जेन्युइन तू जड़ा ना असद प्रिंस ने छोटे भरावें तेरा प्यार करना है, उस वक्त का 22-26 हज़ार रुपया 88-99 का नागरिक ये जो था ना 89 का मेरे ख्याल आजकल 6 लाख के बराबर बनता है मेरी नज़र में, बिल्कुल होगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो मैंने वहाँ पे वो छोड़ दिया और मलिक साहब को ये यकीन हो गया था कि ये अगर असद प्रिंस के लिए जो अभी चंद तो अगर ये इतना मुखलिस है तो ये हमारे साथ भी मुखलिस होगा, मेरे साथ इसको एक उम्र गुजर गई यानी साल हो गया 3-4 उससे पहले के, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव बात है और शुक्र है मलिक साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी।